गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आई एम हियर विद द चैप्टर वन ऑफ साइंस. द चैप्टर वन इज इलेक्ट्रिसिटी. सो जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जो इससे पहले हमारी जो क्लासेस हुई हैं, उसमें हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. टुडेज टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो वी हैव टू कॉम्बिनेशंस हियर. द वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो वी कैन से द रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज. जो रेजिस्टेंस है, हम उनको दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. दीज टू वेज आर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द अदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. व्हेन वी कनेक्ट द टू रेजिस्टेंसेज एंड टू एंड. When we connect two resistances end to end, मतलब एक रेजिस्टेंस उसका एंड, फिर उससे दूसरे रेजिस्टेंस का एंड कनेक्ट किया, then this combination is known as what? Series combination of resistances. So किस तरीके से ये रहता है? Say we have two resistors R1 and R2. Connecting the end of this R1 with the another one like this. So such type of combination in which we are connecting the resistances end to end consecutively, then this is known as series combination. This is called series combination. Here the two resistors are connected in series. यहां पर हमारे दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है. एंड टू एंड कनेक्शन हमने कर रखा है 1/1 कॉन्जिक्यूटिव वे में, वो हमारे कनेक्टेड है. यही अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में when we connect two resistances between the same two points, then this type of combination is known as parallel combination. See, again we have the two resistors aur unke jo ends hai unko hum ek hi point se agar hum connect kar de rahe hain. This is R1, this is R2, और इस तरह से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है. देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इन दिस फिगर टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टर्स के दो कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एंड टू एंड रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो उनके जो एंड्स होते हैं रेजिस्टर्स के, उनको एक सेम पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं. सॉरी. सो वी विल डिस्कस नाउ
द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जैसे ये आर वन आर टू आपने करेक्ट किया इसमें, तो क्या इसका रिजल्टेंट होगा? आर वन आर टू यहाँ पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंट रिजल्टेंट क्या होगा? नाउ वी विल डिस्कस दीज टू थिंग्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस फॉर द रिजल्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स ऑफ टू रजिस्टर्स इन सीरीज। कैसा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है यहाँ पे। तो पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम सीरीज कनेक्शन के लिए रिजल्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो से लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, after that we will solve for the resultant, the R1 in series with R2 and these two resistors are connected with a battery, are connected with a battery. This is the positive terminal and this is negative terminal. Say this is the resistance R1, this is the resistance R2. We have the three terminals A, B, C, N terminals. The voltage of the battery is the battery is at V volts. And the current I is flowing in the circuit. So the current I is flowing in the circuit. The voltage drop across the resistance R1 is V1. And the voltage drop across R2 is V2. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम resistance में जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो करंट फ्लो करता है वो कैसा फ्लो करता है? सेम करंट फ्लो करता है। सो द वोल्टेज ड्रॉप, कंसीडरिंग दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर वन इज वी वन एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर टू इज वी टू, लेट सॉल्व हियर। वोल्टेज वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो आपका पैरेलल में इक्वल होता है और सीरीज कनेक्शन में आपका करंट इक्वल रहता है। यहाँ पर द वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज है बैटरी का दैट इज वी, और यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है दैट इज वी वन प्लस वी टू। सो वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू। आगे हम ओम्स लॉ से देखें, अगर हमने इफ वी कंसीडर दैट लेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, लेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज आर, देन फ्रॉम ओम्स लॉ our ohm's law is v equals to ir, so v equals to ir say we can write v equals to I cross r, so let this is our first equation and the voltage drop इन आर वन, इन रेजिस्टेंस आर वन कितना हो जाएगा ओम्स लॉ से? करंट तो आई फ्लो कर रहा है इसमें, आर वन में भी आई फ्लो कर रहा है और आर टू में भी आई करंट फ्लो कर रहा है। सॉरी
सो जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हमारा, दैट विल बी वी वन इक्वल्स टू, सिंस वोल्टेज ड्रॉप क्या है वी वन एंड करेंट वही है आई एंड रेजिस्टेंस इज वॉट आर वन. सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. अगेन ऑल्सो द वोल्टेज ड्रॉप इन आर टू, आर टू में वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना हो जाएगा, V2 equals to, again from Ohm's law, V2 equals to IR2. क्यों IR2 हुआ? क्योंकि R2 रेजिस्टेंस में भी जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I एंड वोल्टेज ड्रॉप इज V2. सो V equals to means V2 equals to I into R2 from Ohm's law. क्लियर? नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला V equals to V1 plus V2. We have this equation V equals to V1 plus V2 यहां पर, क्योंकि ये V और ये V1 plus V2, ये V किसके इक्वल है, V1 plus V2 के. So now putting all these values of V, V1 and V2 in this, what we will get? So put all these values in V. So V equals to V1 plus V2. So that is V equals to what? IR. We have V equals to IR and V1 equals to I cross R1 plus V2 equals to I cross R2. So finally we have IR, taking I common, we will have R1 plus R2. So finally जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है, आई से आई कैंसिल, वी विल गेट आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू. सो दिस इज अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेज हैं क्या होगा, उन रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो उन रेजिस्टेंसेज का सम होगा. सो वी हैव आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये. सो जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके. सो वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अभी हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फाइंड आउट किया था, नाउ वी विल सॉल्व फॉर, नाउ वी विल सॉल्व फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट फर्स्ट. से द टू रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू are parallel to each other, are parallel to each other like this, and they are connected to a battery like this. So the current flowing in the circuit, that is I, I current is flowing in the circuit. मैंने पहले भी आपको बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, एंड एट दिस नोड दिस करंट आई विल डिस्ट्रीब्यूट इन टू पार्ट्स, इन टू पार्ट्स से आई में से आई वन करंट इधर पास चला गया आपका,
एंड आई टू करेंट इधर चला गया. क्लियर? सो फॉर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस आई इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. ये आई किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? आई वन में और आई टू में. सो फ्रॉम नोड रूल एट दिस पॉइंट से दिस इज ए, दिस इज नोड बी. सो एट नोड ए वी हैव फ्रॉम फिगर फ्रॉम सर्किट I equals to I1 plus I2. Say this is our equation first. Say this is our equation first. Again, let R be resultant resistance. So Ohm's law से क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ से हो जाएगा हमारा, वी नो वी इक्वल्स टू व्हाट? आई आर. सो आई इक्वल्स टू व्हाट? वी अपॉन आर. से दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. सो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये हमें मिला कहां से? ओम्स लॉ से. वी इक्वल्स टू आई आर हमारा क्या होता है? ओम्स लॉ होता है. दिस इज अवर ओम्स लॉ. Now next, if we want to find out the I1, मैंने जैसा कि बताया था कि in parallel combination में voltage हमेशा कैसा रहता है? Same. So voltage drop, यहां पर voltage अगर V है तो R2 और R1, यानी R1 के across भी जो voltage होगा that will be V, और R2 के भी जो across जो voltage होगा वो भी कितना होगा? V ही होगा. So let's find current in R1. So current in R1 हमने क्या consider किया है? I1. So I1 equals to voltage वही same, V upon resistance is R1. So this is our third, and current in R2, that is I2 equals to V upon R2. This is our fourth equation. This is our fourth equation. So now putting all these values, I, I1, I2 from equation 2, 3 and 4 in equation 1. What we will get? We will get in place of I put V upon R. In place of I1 place, put V upon R1. In place of I2, put V upon R2. Now V is common and will be cancelled out, and finally जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So resultant resistance हमारा यहां पर क्या रहेगा? 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So in this case, I equals to I1 plus I2. From Ohm's law, I equals to V upon R. In R1, it is I1 equals to V upon R1. The current in R2 is I2 equals to V upon R2. Finally, putting all these values in equation 1, we will get V upon R equals to V upon R1 plus V upon R2. V is common here. V cancel हो जाएगा. फाइनली जो बचेगा 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So students, we have discussed both the combinations series and parallel for two resistances. In the next class, we will discuss the resultant for three resistances in series and parallel. So for today's class, I hope आप सब ने ये note कर लिया होगा. So it's all about today's class. So students, thank you very much.